आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 12460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12460 शिक्षक भर्ती मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड था। मामला कोर्ट नंबर 8 में सीरियल नंबर 109 पर सुनवाई के लिए लिस्टेड था। आज फ्रेश केसेस की सुनवाई शुरू हुई और फ्रेश केसेस का केस नंबर 13 जो झारखंड की एक याचिका थी टेट वर्सेस सीटेट मामले को लेकर के, उस पर सुनवाई जब शुरू हुई तो अभ्यर्थियों को और 12460 शिक्षक भर्ती के साथियों को उम्मीदें थी कि यह मामला फ्रेश केसेस में है और जल्द ही इसकी सुनवाई कंप्लीट होकर के केस आगे बढ़ेंगे। और वो फ्रेश केसेस का अंतिम केस था, लेकिन उसी केस ने आज के दिन की पूरी सुनवाई का टाइम अपने ऊपर कंज्यूम कर लिया। एक लंबी और मैराथन आर्गुमेंट उसी केस पर चलती रही और वो केस भी आज पूरा नहीं हो पाया है। और इसलिए आप सभी को बता दें एडिशनल में आज एक भी केस सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 8 में नहीं सुना गया है और जो अंतिम फ्रेश केस था 13 नंबर का उसी की सुनवाई कंटिन्यू जारी रही और उसी पर बहस होती रही और कोर्ट उठने तक उसी पर बहस जारी थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग जो केस लगातार सुनवाई के लिए चल रहा था वो केस नंबर 13 था जो परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड के नाम से था और इसी की हेयरिंग पर जो है कोर्ट जो है सुनवाई अपनी आज की समाप्त की है। बाकी सारे जो बाद के केसेस थे उनको ओवर कर दिया गया है और इस तरीके से 12460 शिक्षक भर्ती मामले की आज की सुनवाई भी एक बार फिर से ओवर हो चुकी है और 5 लगातार डेटेड में बिना सुने केस को ओवर कर दिया गया है, यानी सुनवाई के लिए टेकअप ही नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 12460 शिक्षक भर्ती का केस है जो 109 नंबर सीरियल पर लिस्टेड था। यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेटस इसका है ओवर नॉट टेकन अप नॉट टुडे, यानी आज ना तो ये सुनवाई के लिए टेकन अप हुआ है और ना ही अब ये सुना जाएगा। जब कोर्ट ही उठ गई तो आज इसकी सुनवाई की सारी संभावनाएं खत्म हो गई और जिस तरीके से फाइनल हेयरिंग के नाम पर 5 डेट में केस लिस्टेड हुआ और सुनवाई के लिए केस टेकअप नहीं हुआ एक निराशाजनक है। सभी टीमों की तैयारियां और विपक्षी अधिवक्ता पटवालिया सर की उपस्थिति और सरकार और विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम की उपस्थिति आज की केस की सुनवाई के लिए थी, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से केस को सुनवाई के लिए टेकअप नहीं किया गया तो विपक्ष की तैयारियां, सरकारी अधिवक्ता की उपस्थिति और अन्य टीमों की तैयारियों का कोई मायने नहीं रहता है। और दोस्तों अब एक बार फिर से सभी साथी जो इस भर्ती से संबंधित थे और जिन्हें फाइनल हियरिंग के नाम पर अंतिम न्याय की आज जो है उम्मीद थी और उम्मीद उन्हें थी कि आज बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। हमने सुबह के वीडियो में बताया था कि अगर केसेस जो उससे पहले लगे हुए हैं सुनवाई के लिए वो ज़्यादा टाइम लेंगे तो इसकी सुनवाई आज नहीं हो पाई और फाइनली दोस्तों वही हुआ कि आज जो है अपना केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुआ और इस तरीके से थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बढ़ चुका है। फाइनली आप सभी को बता दें आज तो केस की सुनवाई हुई नहीं है, अब अगली डेट कल की मिल सकती है इसमें सुनवाई की और 12460 शिक्षक भर्ती मामला कल भी सुनवाई के लिए लिस्टेड होकर के आ सकता है। शाम को जब इसकी कॉज लिस्ट आएगी कल की सुनवाई की तब देखना ही होगा कि 12460 शिक्षक भर्ती मामला कल की सुनवाई के लिए लिस्टेड होता है या अगले सप्ताह के लिए इसकी डेट दे दी जाएगी सुनवाई की। और दोस्तों आप सभी को बता दें अगर कल 109 या 108-10 नंबर पर केस लिस्टेड होता है सुनवाई के लिए तो कल भी सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आज केस सुना जा रहा था झारखंड वाला ये पार्ट हियर्ड है, इसलिए यही केस कल भी सुना जाएगा और ये कल पूरा जो है फाइनल निस्तारित किया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी को बता दें 12460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र होल्ड और अन्य चीजों को लेकर के अभी आप सभी को कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आप सभी को बता दें इस केस को अब जो थोड़ा जल्दी मेंशन कराया जाए जिससे जल्दी ऊपर लिस्टेड होकर के केस आए 105 नंबर तक, जिससे ये सुनवाई के लिए टेकअप हो, जैसे एडिशनल केस लगे सुनवाई के लिए तो उसमें टेकअप हो सुनवाई के लिए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 12460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आज एक बार सुप्रीम कोर्ट से फिर भी इंतजार की जो है लिस्ट थमा दी गई है।
तो कुल मिलाकर के आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त हो चुकी है और 12,460 शिक्षक भर्ती मामला आज भी सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुआ है। अगली डेट का आप सभी लोग इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे ही अगली डेट दी जाएगी केस सुनवाई के लिए, चाहे कल की केस सुनवाई के लिस्टेड हो यानी कल के कॉज लिस्ट में मेंशन होकर के आए या अगले सप्ताह की कॉज लिस्ट में मेंशन होकर के आए, प्रबल चांसेस यही है कि कल फिर से ये केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो सकता है। लेकिन कल भी इसके संभावनाएं बहुत कम रहेंगी सुनने की, क्योंकि अगर कल भी ये सारे केसेस जो पार्ट हेड हैं ये सुने जाएंगे तो इस केस का नंबर कल फिर से भी नहीं आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अब इंतजार करेंगे अगली सुनवाई की डेट का और सुप्रीम कोर्ट की अगली काज लिस्ट का, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती मामला लिस्टेड होकर के आए सुनवाई के लिए। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की आज की बस ये अपडेट थी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।